दुनिया और कई अनूठे ऐसी ताकत है जिसके बूते पर भारत आज दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में साबित हो रहा है। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की जनशक्ति, ये अपने आप में खूबियां रखती है, एक बड़ी ताकत रखती है। मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से तिरंगा, भारत की आन बान शान का तिरंगा, तीनों रंग, शौर्य का रंग, सद्भाव का रंग, समृद्धि का रंग, भारत के नौजवान दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हैं। मैं समझता हूं कि तिरंगा भारत के नौजवानों की प्रेरणा है। ऐसे 65 लाख 65 करोड़ नौजवान, भारत की सारी रचनात्मक युवा शक्ति, देश के प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत 2022 में बनाने के लिए ये संदेश यात्रा, तिरंगा संदेश यात्रा, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है। और आज इसी उपक्रम में आमेर, ये गौरव है आमेर का कि हमने एक बड़ी तादाद में नौजवानों ने अगुवाई करी तिरंगे की, और उस तिरंगे की, उस रचनात्मक आज़ादी के लिए, तिरंगे की बहबूदी के लिए, तिरंगे की खुशहाली के लिए, तिरंगे के स्वाभिमान के लिए आमेर का, राजस्थान का और हिंदुस्तान का नौजवान ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट होकर इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए, अनेकों ऐसी समस्याएँ जिनका चुनौतीपूर्ण मुकाबला कोई कर सकता है हिंदुस्तान की युवा शक्ति कर सकती है, विषमता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, पर्यावरण के संकट से निपटने के लिए, जल के संकट से निपटने के लिए, जल के संरक्षण के लिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जन भागीदारी जरूरी है, जन सरोकार जरूरी है, राजनीति के साथ साथ सामाजिक बदलाव ये बड़ी मुहिम है। इस तिरंगे को साथ लेकर हम लोगों ने ये मुहिम शुरू करी है। मुझे खुशी है कि इसका आगाज आमेर विधानसभा क्षेत्र से हुआ है। आज हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, वो भी इसमें शिरकत करेंगे, नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, आमेर की तरुणाई का अभिनंदन करता हूँ, समस्त राजस्थान की, हिंदुस्तान की तरुणाई का अभिनंदन करता हूँ कि वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2022 में इतिहास के बदलने का साक्षी बनेंगे इस तिरंगे के संदेश के साथ।